हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद समीना। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चोको बनाना आइसक्रीम। तो चलिए कर लेते हैं इंग्रेडिएंट नोट। हमने लिए हैं 3 बनाना, 2 टेबलस्पून हमने ली है चीनी, ये 1 कप मलाई है जो हमारे दूध के ऊपर क्रीम आती है ये वो मैंने ली है, ये है 1 कप ही दूध लिया है मैंने। 3 मैंने डेरी मिल्क ली हैं, ये जो स्मॉल साइज़ वाली डेरी मिल्क है आप चाहें तो बड़ी भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमने वो 3 बनाना लिए थे उसको इस तरह से काट के हमने कर लिया था फ्रीज़, कि मैंने 6 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख दिए थे। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं हमारे जार में। ये ले लिया है हमने जार, अब हम इसमें सारे बनाना ऐड कर देंगे हमारे। तरह से ये हमने ऐड कर दिए हमारे सारे बनाना। अब हम इसमें हमारा ऐड कर देंगे दूध, इसमें हम डाल देंगे क्रीम और जो हमने शुगर ली थी। अब हम इसको बना लेंगे एक फाइन पेस्ट। ये देखिए ये बन गया है एकदम फाइन पेस्ट हमने इसका बना लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी चॉकलेट और इसको कर लेंगे एक और बार ग्राइंड। ये देखिए इस तरह से बन के रेडी हो गया है हमारे बनाना का और सब चीज़ का पेस्ट। अब हमको निकाल देना है इसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में। ये मैंने कंटेनर ले लिया है, इसको मैं निकाल दूँगी इस तरह से। इस तरह से हमने अच्छे से कर दिया है इसको पोर। अब हम इसको कर देंगे कवर हमारे फॉइल पेपर से, ठीक है। इस तरह से हमको इसको कर देना है कवर। तो चलिए अब हम इसको कर देते हैं इसके कवर से कवर और इसको हमको फ्रीज़ करना है 8 आवर्स के लिए। 6 to 8 आवर्स के लिए हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में और फिर देखते हैं हमारी आइसक्रीम बनके कैसे लगती है। तो चलिए हो चुके हैं हमारी आइसक्रीम को 8 आवर्स फ्रिज में रखे हुए। अब हम देखते हैं ये कैसी लग रही है। तो हमने कर लिया है ओपन, देखते हैं। वाह माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी लग रही है हमारी आइसक्रीम। इसको निकाल लेते हैं हम अब एक बाउल में इस तरह से। वाह यम्मी है, देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है बाउल में। हम निकाल लेते हैं इस तरह से बाउल में और ये लग रही है बहुत ही शानदार, बहुत ही यम्मी आइसक्रीम। और हम इसको कर देते हैं गार्निश विद सम चॉकलेट इस तरह से। अरे माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है हमारी चॉकलेट। अगर आपको हमारी चोको बनाना आइसक्रीम पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।